इस कॉफ़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया है, ये फुल फैट मिल्क है, और इसे मैं गैस में बिठा दूँगी बॉयल होने के लिए। दूध को मैंने यहाँ पर गैस पे बिठा दिया है और इसे कांस्टेंट ऐसे चलाते रहना है ताकि दूध जो है वो नीचे तलवे पे ना लगे। तो आप देख सकते हैं दूध यहाँ पर काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस भी हो चुकी है। और इस स्टेज में मैं डाल दूँगी ये शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिए और इसे कॉन्स्टेंटली चलाते रहिए। और इसी के साथ इसमें डाल दूँगी ये 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। ये 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर को मैंने पानी में डिजॉल्व कर लिया है और इसे भी मिला दूंगी और इसे अच्छी तरह से चला दूंगी ताकि ये नीचे ना चिपके। दूध यहाँ पर तैयार हो चुकी है और इसमें मैं अब डाल दूंगी ये गुलाब जल, जिनको जिन पे मैंने सैफ्रन सोक करके रखा है। बहुत ही अच्छी कलर आई है इसमें और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे रूम टेम्परेचर पे पूरी तरह से ठंडा कर लूंगी। ये कुल्फ़ी मिक्सचर यहाँ पर ठंडी हो चुकी है, अब इसे थोड़ी सी स्मूथ करने के लिए मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। इस मिक्सिंग जार में मैंने कुल्फ़ी मिक्सचर को डाल दिया है और ये ड्राई फ्रूट्स है जिन पे काजू है, आमंड्स है और पिस्ता है, जिनको मैंने रात भर भिगो के रखा है, इसे भी मैं इसके साथ डाल दूंगी। और इसे अब मैं ब्लेंड कर दूंगी। तो ये साथ में बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके हैं और मेरे पास यहाँ पर ये छोटे छोटे मटके हैं जिनको मैं भर लूंगी। इन सारे मटकों को मैंने भर लिया है और ऊपर से थोड़ी सी आमंड स्लाइस और पिस्ताचियो से गार्निश कर दिया है। अब इनको एल्युमिनियम फॉयल में लपेटकर फ्रिज में 6 से 8 घंटे तक रखना है, जब तक के ये सेट हो जाए। मटका कुल्फ़ी यहाँ पर सेट हो चुकी है, आइए देखते हैं ये कैसी बनी है। यहाँ पर से ऐसे इसको खोल दीजिए। और ये देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुकी है और बहुत ही यमी है। तो मेरी रेसिपी सबको पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।